वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों के किसी भी कारण से सिर में चोट लग जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि सिर में चोट के लग जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिससे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर में चोट के लग जाने पर क्या लक्षण आते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। उल्टी का आना, सिर में दर्द का होना, उलझन का हो जाना, ठीक से सो ना पाना, धुंधला दिखाई देना, थकान और सुस्ती का रहना, चलने में कठिनाई होना, ठीक से ना बोल पाना, नाक या कान से खून का आना, शरीर का एक तरफ का हिस्सा कमज़ोर महसूस होना, कान के पीछे सूजन का आ जाना, आँखों के आसपास सूजन का आ जाना, याददाश्त का कम हो जाना, सुनाई ना देना, शरीर का सुन्न हो जाना, मिर्गी के दौरों का पड़ना, बेहोश हो जाना, चिड़चिड़ापन रहना, खोपड़ी में छेद या गहरा कट लग जाना, सिर पर खुला घाव हो जाना और भाइयों, व्यक्ति का कोमा में चला जाना। तो भाइयों, सिर में चोट के लग जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपको यह लक्षण हैं तो आपको तुरंत ही ब्रेन का MRI करा लेना चाहिए। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों, आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।